एक जो भाई तबाही मचाएगा। ये जो डिविकलर है ये ऐसे रहता है यहाँ पर, सो इसको खोल दिया और अभी आप लोगों को विदाउट डिविकलर साउंड सुनाता हूँ एक्रोबिक एग्जॉस्ट में कैसे साउंड निकलती है। एक्रोबिक एग्जॉस्ट लगाने के बाद स्कूटर का साउंड ज्यादा है या भाई का जो RX 100 है लेजेंडरी बाइक उसका साउंड ज्यादा है? पुलिस सर, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना किसका ज्यादा लाउड है, किसका ज्यादा बेस वाला साउंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। से कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त स्वस्थ होंगे। सो भाई फाइनली डिविकलर खुल चुका है एक्रोबिक एग्जॉस्ट का। सो फैसिनेट स्क्रू पे एक्रोबिक एग्जॉस्ट लगाने के बाद आज फाइनली डिविकलर खोल दिया। सो आप लोगों को साउंड सुनाऊंगा विदाउट डिविकलर एक्रोबिक एग्जॉस्ट स्क्रू पे लगाने के बाद कैसे साउंड निकलती है क्या नहीं। यहाँ पर देख सकते हो भाई विदाउट डिविकलर एक्रोबिक एग्जॉस्ट भाई तबाही मचाएगा। तो ये रहा डिविकलर एक्रोबिक एग्जॉस्ट का यहाँ पर ऐसे भाई, ये जो डिविकलर है ये ऐसे रहता है यहाँ पर, सो इसको खोल दिया और अभी आप लोगों को विदाउट डिविकलर साउंड सुनाता हूँ एक्रोबिक एग्जॉस्ट में कैसे साउंड निकलती है। खतरनाक तवाई वाला साउंड हो गया। इसको यहाँ पर रखते हैं और पहन लेते हैं ग्लव्स। स्क्रू में एग्जॉस्ट मॉडिफाई करने के बाद कैसे साउंड निकलती है विदाउट डिविकलर एक्रोबिक एग्जॉस्ट में। और मेरा जो स्कूटी का बैटरी है वो खराब हो चुका है, इसीलिए जो सेल्फ है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सो किक करके स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो चलो करते स्टार्ट। सो हो गया स्टार्ट। अभी आप लोगों को सुनाता हूँ एक्रोबिक एग्जॉस्ट का साउंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मली कैसे साउंड निकल रहा है। देखो स्कूटी में एग्जॉस्ट लगाने के बाद खतरनाक साउंड हो चुका है। बेस भी बहुत ही ज़्यादा है, लाउड भी बहुत ही ज़्यादा है। आप लोगों को एक बार सुनाता हूँ, सो ये चेक करो। बैक फायर सुनो भाई, बैक फायर। भाई ये तो सुपर बाइक बन गया भाई, मेरा स्कूटी सुपर बाइक बन गया। सुपर बाइक जैसे साउंड कर रही है भाई स्कूटी। अभी चलते हैं दोस्त को लेकर आते हैं क्योंकि आज दोस्त भी जाने वाला है। सो फटाफट चलते हैं यहाँ से। इस एग्जॉस्ट को लगाने के बाद खतरनाक वाला रिएक्शन भी मिल रहा है, सो आज वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सोचा नहीं था भाई ऐसा लाउड ऐसा बेस होगा एग्जॉस्ट लगाने के बाद स्कूटी में, लेकिन भाई खतरनाक साउंड हो चुका है। साउंड चेक करो भाई, साउंड चेक करो। सो अभी इस तरफ से जाना पड़ेगा गांव के तरफ। रिएक्शन चेक करो भाई। फटाका फोड़ रहा है भाई, फटाका फट 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 करके।
चेक करो भाई साथ। सुपर बाइक बन गया भाई, सुपर बाइक। पुलिस 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 दोस्त भी आ चुका है और यहाँ पर करेगा व्हीली। ये चेक करो भाई, नेशनल हाईवे पे व्हीली कर रहा है, देख रहे हो। क्या हुआ? धूल धूल रहा क्या गया? सुपर बाइक बन गया भाई, सुपर बाइक। कैसा लगा? बहुत ही मस्त लग रहा है। सो दोस्त का कहना है कि उसका जो RX100 लेजेंडरी बाइक है, इसके सामने जो मेरा स्कूटी में एक्रोबिक एग्जॉस्ट लगाया, उसका साउंड सुनाई भी नहीं देगा। सो चलो चेक करते हैं एक्रोबिक एग्जॉस्ट लगाने के बाद स्कूटी का साउंड ज्यादा है या भाई का जो RX100 है लेजेंडरी बाइक उसका साउंड ज्यादा है। और इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है और इसमें मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है। सो इसका जो बेस है वो तो ज्यादा होगा, लेकिन लाउड किसका है ज्यादा वो चेक करते हैं अभी। चलो स्टार्ट करो, अभी चेक करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं RX100 और यहाँ पर मेरे पास एक ऐप है जिसमें डीबी मीटर है, कितना डेसिबल का साउंड निकल रहा है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल भी है और आप लोगों को सुनाऊंगा भी। सो अभी करते फटाफट, पहले RX100 को स्टार्ट करो भाई। तो ये देख सकते हो में 115 डेसिबल तक गया था। और अभी चेक करते फैशन स्कूटी का एक्रोबिक एग्जॉस्ट लगाने के बाद कैसा साउंड निकलते है, क्या RX100 को हरा पाएगा एग्जॉस्ट मॉडिफाई करने के बाद स्कूटी में, वो चेक करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो। और इसमें मेरा जो बैटरी है वो भाई खराब हो चुका है, इसीलिए किक करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई देख लिया, ये मेरा साउंड और एक्रोबिक का साउंड भी आपको चेक करेंगे थोड़ा सा। ओ
जो ऐप है ऐप तो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, क्योंकि विद डिविकलर विदाउट डिविकलर सेम काम कर रहा है। ठीक है, मतलब विदाउट डिविकलर 115 तक गया था और विद डिविकलर भी 115 तक गया था। सो ये जो ऐप है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सो आपके ऊपर ही है, आप बताओ कौन सा ज़्यादा लाउड है, RX 100 या फैशनर स्कूटी। अभी चेक करते दोनों एक साथ, स्वागत करते एक साथ। मेरा ज्यादा लाउड है, मेरा ये ज्यादा। सो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना किसका ज्यादा लाउड है, किसका ज्यादा बेस वाला साउंड है। सो मुझे तो लग रहा है कि स्कूटी का ज्यादा है, इसका बेस भी ज्यादा है, लाउडनेस भी ज्यादा है। सो भाई ऐसा था कुछ, मतलब RX 100 को भी टक्कर दे रहा है भाई स्क्रू में एग्जॉस्ट लगाने के बाद, मॉडिफाई एग्जॉस्ट लगाने के बाद क्या खतरनाक साउंड हो चुका है स्क्रू में एग्जॉस्ट मॉडिफाई करने के बाद। भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। सो अभी चलते थोड़ा राइड वगैरह करते। स्कूटी में एग्जॉस्ट लगाने के बाद, मॉडिफाई एग्जॉस्ट लगाने के बाद, मतलब एक्रोबिक का एग्जॉस्ट लगाया, बहुत खतरनाक साउंड निकल रहा है। विदाउट डीवी क्लर तो और भी खतरनाक साउंड हो चुका है। और आप जरूर कमेंट करके बताना भाई कौन जीता, RX 100 या फैशनर स्कूटी। जो एग्जॉस्ट है उसको लगाने के लिए कितना खर्चा हुआ, मतलब कितना पैसा देना पड़ा। सो एग्जॉस्ट लगाया उसका खर्चा आया 3000 का, 3000 का खर्चा हुआ। सो खतरनाक वाला साउंड भी हो चुका है एग्जॉस्ट लगाने के बाद। और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी फटाफट चलते हैं घर और मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग मोटर ब्लॉगिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।